राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में पानी बरसने से काफी हद तक लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज भी पानी बरस रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज 26 राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह आसमान में घिरे काले बादलों की वजह से कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज राष्ट्रीय राजधानी में दिन भर रुक रुक कर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 26 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। देश भर में इस वक्त मानसूनी बारिश की फुहारें पड़ रही हैं। दिल्ली के अलावा अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश 34 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पूर्वानुमान में 9 जुलाई तक रोजाना ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई गई है। विभाग के पूर्वानुमान में उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत मध्य उत्तर प्रदेश में 8 जुलाई तक मध्यम से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल अत्यधिक बारिश हो सकती है। आज मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन और आसपास के जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। बिहार के पटना समेत 9 जिलों में भी आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को पटना में 2.2 मिलीमीटर और सिवान के बड़हरिया में सर्वाधिक 235.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार कुमाऊं में अगले 3 दिन तेज बरसात होने का अनुमान है। प्रदेश में बीते 3 दिन के भीतर सामान्य 36% अधिक वर्षा हुई है। दून में 24 घंटे के भीतर 135 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। जौलीग्रांट क्षेत्र में प्रदेश में सर्वाधिक 143 मिलीमीटर वर्षा हुई है।